हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल SMII पे। दोस्तों आइए इस वीडियो में बात कर लेते हैं पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के स्टॉक की, जो कि एक इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनी है और डिफरेंट टाइप के जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स है उस पर काम करती है। आज इस स्टॉक में फिर अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है 4.59% की रैली के साथ। ये स्टॉक 35.30 की प्राइस पे क्लोज हो गया है। तो पहले भी दोस्तों हम इसको कवर कर चुके हैं कंपनी के फंडामेंटल्स, आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्यों इस स्टॉक में इतनी बड़ी तेज़ी चल रही है, इस स्टॉक की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस जान लेते हैं। नए आए हो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले इसके कंपनी की एसेंशियल जो पैरामीटर्स हैं चेक कर लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप देखो 2730 करोड़ का है। तो कंपनी एक छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। और यदि इसकी पीई मल्टीपल्स देखें तो 17.55 की है और प्राइस टू बुक रेशो भी 0.96 की है। मतलब कंपनी की वैल्यूएशंस सही दिख रही हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, हाई वैल्यूएशन नहीं है। तो ये जो स्टॉक है सही वैल्यूएशंस पे मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक की जो फेयर वैल्यू है वो अभी भी जो स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस है उससे ज़्यादा है। मतलब आजकल ये स्टॉक जो है सस्ता मिल रहा है, सही वैल्यूएशंस पे मिल रहा है। और इसका यदि हम सेल्स का ग्रोथ देखें तो 91.26% का आ रहा है। और प्रॉफिट की ग्रोथ देखो कितनी शानदार है, प्रॉफिट की ग्रोथ 137% की है। ROE परसेंटेज 2.08% की है, लो है, लेकिन ROCE परसेंटेज बढ़िया है, डबल डिजिट में दिख रही है, 10.68% की है। और इसकी जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 39.41% की है। दोस्तों दो पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव निकल कर आ रहे हैं, कंपनी की वैल्यूएशंस ओके हैं। और साथ के साथ ही यदि इसकी हम लेटेस्ट क्वार्टरली नंबर्स फिगर्स देखें, प्रॉफिट की और सेल्स की ग्रोथ वो भी आपको पॉजिटिव ही दिख रही हैं। फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी ओवरऑल पॉजिटिव ट्रिगर शो करते दिखाई दे रहे हैं और लॉन्ग टर्म की ROCE परसेंटेज भी बढ़िया है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि इस स्टॉक में हाई जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है, ये स्टॉक बहुत ही तेज़ी से भाग रहा है। तो आगे इसका कुछ और डाटा जो है हम डिटेल में चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या निकल कर आ रही हैं। क्योंकि दोस्तों यदि हम स्टॉक में शेयर होल्डिंग देखें तो प्रमोटर के पास 39.41% का स्टेक है, पब्लिक की होल्डिंग 49.29% की है, DIIs का भी बहुत ही बड़ा स्टेक इस कंपनी में लगा हुआ है, 9.2% का स्टेक है, और FIIs की भी 2.1% की होल्डिंग इस कंपनी में दिख रही है। तो एक अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न जरूर देखने को मिल रहा है और प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ रही है। तो यदि हम पहले इसकी स्ट्रेंथ देखें तो कंपनी है शोन ए गुड रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 15.59% फॉर द पास्ट 3 ईयर्स। तो लास्ट 3 ईयर्स से कंपनी के जो रेवेन्यू में बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, ये इसकी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। कंपनी की PEG देखो, मतलब PE रेशो की जो ग्रोथ है, रेशो है वो 0.13 की है, बहुत ही सही है। और इसका जो कैश फ्लो है मैनेजमेंट, दैट इज़ आल्सो गुड, एंड CFO पैट स्टैंड्स एट 19.18%। मतलब कंपनी के फंडामेंटल जो हैं वो पॉजिटिव शो हो रहे हैं, जैसे कि पहले भी हम कवर कर चुके हैं। लेकिन जैसे हम इसकी कुछ लिमिटेशंस डिस्कस करेंगे तो इसमें कुछ लिमिटेशंस भी नज़र आ रही हैं। सबसे बड़ी जो इसकी लिमिटेशंस है, इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है, -14.11% की है फॉर द पास्ट 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स में कंपनी की प्रॉफिट में कोई अच्छी ग्रोथ नहीं है, नेगेटिव ग्रोथ है। ROE परसेंटेज लो है, जैसे हम पहले भी आपको बता चुके हैं, ROE की ग्रोथ भी नेगेटिव है। और इसकी लायबिलिटी जो है वो 2844 करोड़ की हैं और प्रमोटर की प्लेजिंग इज हाई 88%। तो यहाँ पे कुछ रिस्क जो है वो भी देखने को मिल रहा है। तो आने वाले टाइम में यदि कंपनी इन पॉइंट्स पे काम कर लेती है, अपनी ROE परसेंटेज को इम्प्रूव कर लेती है, प्रमोटर प्लेजिंग रिड्यूस कर लेती है, क्योंकि अभी प्रमोटर प्लेजिंग बहुत ही हाई है। क्योंकि दोस्तों जितनी हाई प्रमोटर प्लेजिंग होगी उतनी ही हाई कंपनी का डेब्ट आपको देखने को मिलेगा और कंपनी के ऊपर एक डेब्ट बर्डन भी रहता है। तो ये यहाँ पे जरूर देखने को मिल रहा है, यदि आने वाले टाइम में इन एरियाज़ पे कंपनी काम कर लेती है तो फिर एक अच्छा मोमेंटम जरूर इस स्टॉक में बनता दिखाई दे सकता है। लेकिन अभी
वैल्यूएशन सही होने के कारण, लेटेस्ट क्वार्टरली नंबर होने के कारण पॉजिटिव इस स्टॉक में तेज़ी आ रही है। तो हम आपको यही कहेंगे अभी शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में आप कोई भी पोजीशन ना बनाओ, थोड़ा लॉन्ग टर्म का पैटर्न लेके चलो, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कंपनी की जो मार्च क्वार्टर के नंबर्स हैं वहाँ पे नेट इनकम 123% के हिसाब से बढ़ गई है। जैसे हमने पहले ही बताया है, मतलब नेट इनकम ज़रूर डबल हो रही है लेकिन डिल्यूटेड ईपीएस रिड्यूस हो रहा है। तो अदरवाइज़ कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। तो क्या होता है दोस्तों, जब कोई स्टॉक तेज़ी से भाग जाता है और उसकी स्टॉक की प्राइस जो है बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाती है और उसकी अर्निंग नहीं बढ़ती हैं, तो फिर उस स्टॉक में थोड़ा स्लो डाउन आता है, उनमें प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। तो ये कंपनी एक अच्छी कंपनी है, इसको ऑर्डर भी नए नए मिल रहे हैं, लेकिन जो एरियाज़ हमने आपको बताए हैं वहाँ पे कंपनी को अभी काम करने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट देखना होगा एक दो क्वार्टर में क्या कंपनी अपने फंडामेंटल्स को, आरई परसेंटेज को, आरओई परसेंटेज को इम्प्रूव कर लेती है। तो इसलिए क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 24 के नतीजों पर फोकस करें और उसके बाद ही कोई डिसीज़न इस कंपनी में लें, यही हमारी आपको राय है। क्योंकि अभी ये स्टॉक तेज़ी से चल चुका है, अभी इसकी स्टॉक की परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। लास्ट 6 मंथ में ये जो स्टॉक है वो नियरली डबल हो गया है, डबल से भी ज़्यादा हो गया है। तो तेज़ी के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इसलिए शॉर्ट टर्म में थोड़ा अलर्ट रहें और लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में निवेश करें और डिप में ही इस स्टॉक को बाई करने की कोशिश करें। 30 से नीचे इस स्टॉक में एक बेस्ट एंट्री पॉइंट आपको मिलता दिखाई दे सकता है। तो यदि ये स्टॉक कल को 30 के नीचे आता है तो इसमें आपको अच्छा मौका मिल सकता है बाई करने का। थैंक्स अगेन, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अभी तक यदि आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक भी कर दें, आगे शेयर जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल में डिटेल एनालिसिस करने के बाद ही हम आपको निवेश की राय देते हैं। स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी होती है, तो यही हमारा आपको कहना है कि आप किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले उसके फंडामेंटल चेक करूँ। तो यहाँ पे भी देखो दोस्तों, पहले ये जो स्टॉक है ये 30 के अराउंड रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, जैसे ही इसने 30 का लेवल पार किया इसमें बहुत ही बड़ी ब्रेकआउट आ गई है, इसमें बहुत ही तेज़ी आ चुकी है। इसलिए अभी इस स्टॉक को डिप में बाई करने की कोशिश करें और इसके मोमेंटम को फॉलो मत करें। थैंक्स अगेन।